शायद गाता लूप की ख्वाहिश कैंची है। जी ये दिख रही है आपको रोड, ये कैसे कैसे अलग अलग कलर के पहाड़ है यार यहाँ पे, पता नहीं देख के ना बंदा डर उठ जाए। ये मेरा भाई आ रहा है एक को राइडर, फुल गोली की तरह चलते हैं यहाँ पे अंग्रेज। ये थैंक यू सूरज भगवान, सूर्य भगवान। Doing some risky stuff, हर किसी के बस की बात नहीं है, और इतने सालों की प्रैक्टिस है, 5000 किलोमीटर बुलेट चला चुका हूँ। चार लोगों को भी बचा नहीं रोड है यार ये, गजब बंदे को प्यार है रोड से, मेरे को तो हो ही गया है, मेरे जैसे बंदे को तो बहुत जल्दी हो जाता है ऐसी रोड से चलिए चलो यार, बहुत सारे बाइकर्स हैं यार, दिल्ली से भी बहुत सारे बाइकर्स हैं। सारे गवारे यही पुकारे जब छत के मस्त हवा चल रही है ना, ट्रस्ट में ये बेस्ट सीजन है यहाँ पे आने का, लद्दाख सर्किट का ये बेस्ट सीजन है। अब यहाँ पे ना इस बार तो हमको तो बहुत बारिश मिली है, बारिश से परेशान हो गए हैं, और यहाँ की लोकल पब्लिक का कहना है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होता नहीं है कि इतनी बारिश हो, क्योंकि इस सीज़न में जनरली इतनी बारिश होती नहीं है। ड्राई भी नहीं कह सकते क्योंकि ये नम जगह है सारी, एज एन ड्राइनेस नहीं होती, बट हाँ यहाँ पे बड़ा प्लीजेंट वेदर हो जाता है। और गर्मी नहीं लगती, गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है, बाइक स्पेसिफिकली, क्योंकि कार में तो ठंडी हवा का इतना कोई रोल प्ले है नहीं। ये देखो भाई नीचे तक है ये, what I am doing is very risky, I don't suggest or recommend कि ऐसा कुछ हरकत कोई करे बाइक पे, until आपका कॉन्फिडेंस आपका और ना करे। मेरे को इतने सालों की राइडिंग में कॉन्फिडेंस है, so I am doing this, else this is very risky। कि यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो लोकल ट्रैवलर्स हैं, जो लोकल ट्रैवल करते हैं, जैसे पिकअप वाले और ट्रक वाले, मिनी ट्रक वाले, ये लोग इन कर्व्स पे भी इतना धुआंधार तरीके से आते हैं कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे गाड़ी। मतलब एकदम साइड में दबाना और गियर उस अकॉर्डिंग शिफ्ट करना वो बड़ा क्रिटिकल हो सकता है अगर आप ट्राई दिस, बट मैं थोड़ा सा अंदाज, मार्जिन और ढेर सारा कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हूँ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, तब मैं ये सब कर पा रहा हूँ। हाँ, अभी इससे पहले एक और पास पड़ा था ला तांगला, से पहले पड़ा था तालांगला, उसमें तो मज़े आ ही गए थे, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। फुल स्नोफॉल थी, फुल स्नोफॉल, मतलब अपहिल कम से कम भी कितने किलोमीटर की स्नोफॉल मिली, 15 किलोमीटर की स्नोफॉल मिली अपहिल एंड 3-4-5 किलोमीटर की डाउनहिल। तो उसके बाद में जो मेरे को मस्त पास लगा है, जो पसंद आया है वो ये है, मतलब राइडिंग के हिसाब से। एल्स खारदुंग ला के व्यू बहुत अमेजिंग थे एंड वी वर लकी कि वो थोड़ा सा मौसम में वेदर क्लियर मिल गया। हालांकि खारदुंग ला पहुँचते पहुँचते भी स्नो चालू हो गया था, बट उससे मतलब खारदुंग ला पहुँचते पहुँचते 3-4 किलोमीटर जब हम पहुँचने वाला था, उसके बाद में थोड़ा वेदर डिस्टर्ब मिला, उसके बाद में विजिबिलिटी रेस्ट। पूरे रास्ते जितना भी मैंने अपहिल करा, जितना भी मैंने राइड किया अपहिल, वो पूरा वेदर क्लियर था और दूर दूर तक सारी हिल्स नजर आ रही थी। तो वो बेस्ट पार्ट रहा मेरा इस जर्नी का, वो बहुत अमेजिंग पार्ट रहा। बाकी राइडिंग के हिसाब से यू कैन सी कि मैं एक हाथ से राइड कर पा रहा हूँ, कोई खड्डा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट्स वेरी अमेजिंग, मज़ेदार। हम पहुंच जाएंगे सरचू। सरचू 25 किलोमीटर है। सरचू बड़ी खौफनाक, हमारा टारगेट तो जिसपा है, बट जैसा कि अभी रोड की हालत कुछ क्लियर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया मतलब बढ़िया रोड है, ठीक रोड है। ठीक रोड का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप 60-70 तो चला सकते हो, और कुछ लोगों ने कहा है कि रोड में रोड ही नहीं है, भैंस की डांग रोड ही नहीं है। तो वो थोड़ा ना स्केरी काम हो गया है, क्या करें, कैसे करें, कैसे पार लगाएं। चलो मैं अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मेरे भाई लोग नीचे खड़े हुए हैं, इसी टर्न के बाद बड़ा मज़ा आया राइड करके। मेरे पास अगर हिमालयन होती, टूरर बाइक होती ना, टूरर बाइक होती तो मस्त मैं इस पर जिग-जैग करके राइड करता, फुल लटा के। जाओ फिर प्रॉब्लम, वैसे रुके थे। हाय हाय क्या बात है, शुरू यार। ये वीडियो बनता था, ऊपर क्यों नहीं स्टार्ट किया? अच्छा साइड दे देना, हम ऑफ रोड कर लेंगे। बिल्कुल रोड से चला दी भाई। ओके थैंक यू छोड़ के आने के लिए। साला ये लोग कहते हैं कि नेचर सेव करो, यहाँ आके कचरा मत करो, ये मत करो, मत करो। तो मतलब ट्रांसपोर्ट में पॉल्यूशन होता है, इस पर कोई नज़र नहीं डालता। इस पर भी तो कोई नज़र डालो भाई। साले जितने भी ट्रक यहाँ पे मैंने देखे हैं, ये कोई बात होती है? भैंस की टांग, सारा पॉल्यूशन तो ये लोग फैला रहे हैं, है ना। इनका कोई जुगाड़ करती नहीं है गवर्नमेंट। इतनी हाइट पे सारी लोकेशन है ना, और ये धुआं फैला रहे हैं। ओजोन की तो माफिन बत्ती, सॉरी ओजोन की तो ऐसे यही लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना खतरनाक पॉल्यूशन फैला के, तो इनका भी तो सारे पूर्वज याद आ जाते हैं। पीछे वाला टायर ऐसा स्किड होता है ना, अगर सिर्फ टूरर बाइक हो, टूरर बाइक में आप कर सकते हैं, टूरर बाइक में कर किया सकता है ये, नॉट ऑन दिस सच बाइक्स। एनफील्ड इज़ नॉट अ टूरर बाइक, यू कैन से इट्स अ ड्यूरेबल बाइक, सो इस पर फिर भी हो जाता है। ये देखो मेरा भाई ने मना मरवा दिया था, बिल्कुल अटक गया था मैं, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में हैंडल। चलो जी एंड करते हैं, गलत जगह रोक ली बाइक, पता नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। चलो टाटा।